आज लेने जा रहा हूँ मैं 10 hours कोडिंग चैलेंज। बाहर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है तो मैंने सोचा आज खुद को थोड़ा ज्यादा चैलेंज किया जाए। आज 10 घंटे कोडिंग करेंगे यार, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। सो आई स्टार्टेड द डे बाई रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव स्टडीड टिल नाउ एंड आई रियलाइज्ड कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें तो भूलता जा रहा हूँ और मैं नई चीज़ें पढ़ता जा रहा हूँ, तो रिवीजन रोज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम फिगर आउट करने के बाद 5 से 10 मिनट ही लगते हैं सिर्फ कोड लिखने में, लेकिन जो एक्चुअल टाइम लगता है वो होता है यार कोड को डीबग करना। तुमने सारे कॉर्नर केसेस हैंडल करे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ जाएगी चलते चलते, रन टाइम एरर तो नहीं आ जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपना कोड फाइनलाइज करना ही एक्चुअल मज़ा है कोडिंग का। तो अराउंड 5 hours 30 minutes कंप्लीट हो चुके हैं। बीच में मैंने व्हाट्सएप वगैरह भी थोड़ा बहुत चलाया है और इंस्टाग्राम वगैरह भी स्क्रॉल किया है, तो तुम मान लो अराउंड आधा चैलेंज हो चुका है। अब चलते हैं, छत पे शाम हो चुकी है, थोड़ी फ्रेश एयर लेंगे और वहाँ पे भी जाके हम पढ़ाई करेंगे, तो चलो चलते हैं। तो कई जेई वाले देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे, भाई तू आज 10 घंटे पढ़ रहा है, हम तो रोज़ ही 10 घंटे पढ़ते हैं। खैर मेरे को अपने जेई के दिन अब याद नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन होते थे वो जब पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते थे। 10 घंटे तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल, ज़्यादा ही पढ़ लेते थे, रोज़ ही पढ़ते रहते थे और पता ही नहीं होता था भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में, बस पढ़ते जाओ एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ रात के 9, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इस वक्त, लेकिन यार मैंने थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट कर दिया, मतलब हो जाता है क्या करें, तो टाइम भी वेस्ट किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 12-1 बजे तक करता रहूँगा पढ़ाई, तब जाके 10 घंटे एकदम बढ़िया वाले पूरे हो जाएंगे मेरे। गाइज यहाँ पे मैं आपको कोडिंग निंजास के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी। कोडिंग निंजास में आपको बहुत सारे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कोर्सेज को। वीडियो लेक्चर्स तो आपको देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं ताकि आप अप्लाई कर पाएं जो आप सीख रहे हैं, और ऑनलाइन आईडी है वहीं पर आप सबमिट कर सकते हैं कोड को। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप हिंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो हिंट्स देखने को मिलते हैं। स्टिल अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने टीचिंग असिस्टेंट को मैसेज कर सकते हैं, आपको कोडिंग निंजास में टीचिंग असिस्टेंट दिया जाता है जो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। ज़रूर से यार कोडिंग निंजास के कोर्सेज चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले 15% डिस्काउंट था, अब वो 20% हो चुका है मेरे लिंक से, तो ज़रूर से जाके चेकआउट करो। और तुम कोर्सेज को फ्री में भी ट्राई कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो परचेज करने से पहले। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो चैलेंज है कोडिंग का वो मैंने कल पूरा कर लिया था, पूरे के पूरे 10 घंटे। और अब तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बस यही बोलूँगा कि यार
ये कोई जेई नहीं चल रहा है यहाँ पे मेरा, तो मैं अब ये एक चैलेंज बार बार तो मुझसे कभी होने नहीं वाला है, कर लिया ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा करना भी मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे प्लेसमेंट से रिलेटेड कि उसके व्लॉग्स बनाओ, उसके बारे में बताओ। तो एक यूट्यूबर है यार अजयराज, उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था मेरा, तो एक बार वो वीडियो देखते हैं और फिर उनका रिप्लाई देते हैं। बाकी यार हरमन का भी उसी कंपनी का टेस्ट था, लेकिन ट्रिपल आई टी दिल्ली वालों ने बोल दिया था तो हमें 12 बजे देना है टेस्ट, तो हमें ऐसा कुछ नहीं बोला था, कभी भी दे सकते हैं। तो हरमन ने कहा यार मुश्किल था बहुत ज़्यादा, तो आगे वो हरमन शेयर कर देगा अगर वो वीडियो बनाएगा अपने चैनल पे। तो अब अजय भाई ने अगर बोला ही है तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना। तो हाँ यार, जैसा अजय भाई का टेस्ट गया वैसा ही मेरा गया था, और बाकी प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं प्लेसमेंट सीज़न के बारे में बताऊँ तो यार इंटरव्यूज़ वगैरह